नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आप सभी को विदित हो चुका होगा कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना की जो तृतीय किस्त के आवेदन है वो शाला दर्पण के माध्यम से ही होंगे। इस हेतु समस्त दिशा निर्देश से युक्त वीडियो मैंने पहले ही आपकी सहायतार्थ चैनल पर उपलब्ध करवा दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की सहायता ले सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों आज के वीडियो की। तो शाला दर्पण पर अब मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया गया है। वहाँ से आप अब लॉगिन कर पाएंगे और मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, मेरा सबसे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, मैं बताता हूँ कि क्या अपडेट आया है। नया जो टैब हमें दिया गया है उस पर अभी क्या अपडेट चल रहा है उसकी जानकारी। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें हमेशा की तरह लिखना है rajshaladarpan.nic.in। यह लिखकर आपको सर्च करना है और फिर आना है साथियों यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा राजश्री का नया ऑप्शन जो यहाँ आपको रनिंग टैब में दिखाई देगा। साथियों, यदि ये आपको यहाँ नहीं दिखाई देता है तो आपको जो ये एरो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस एरो पर क्लिक करना है। ये रन होके वापस आपके सामने यहाँ आ जाएगा। अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब शाला दर्पण आपको रीडायरेक्ट करके राजश्री के पोर्टल पर ले जाएगी। तो साथियों, आपको यहाँ देखना है सबसे पहले लॉगिन का आप के लिए आपको यहां दिया हुआ है, लेकिन लॉगिन कौन कर पाएगा उसकी जानकारी आपको यहां दी गई है। राजश्री इंचार्ज, जो भी राजश्री जो योजना है उसका इंचार्ज आपने बनाया है वही इसे लॉगिन कर पाएगा। तो आपको यहां सबसे पहले जो आपके विद्यालय के जो NIC कोड है वो प्रोवाइड करवा देने हैं। उसके बाद जिस भी स्टाफ को आपने राजश्री का इंचार्ज बनाया है उनकी स्टाफ NIC ID आपको यहां प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद आपको यहाँ अंत में मिलेगा उनके पासवर्ड का ऑप्शन। जो भी इसके इंचार्ज है, प्रभारी है, उन्हीं की NIC ID के पासवर्ड उनको यहाँ प्रोवाइड करवाने होंगे। उसके बाद जो आपको ये कैप्चा सेम टू सेम यहाँ दिखाई दे रहा है उससे यहाँ एंटर कर लेना है और उसके बाद आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का। तो आप यहाँ क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। परंतु बात करें साथियों, आप यहाँ लॉगिन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि शाला दर्पण पर जो अभी आपको इंचार्ज किसको बनाया है उसका मॉड्यूल प्रारंभ किया ही नहीं गया है जहां तक मुझे जानकारी है। यदि आपको मुझसे अधिक जानकारी है और आपको वो मॉड्यूल मिल रहा है कि शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पे कहीं ऐसा मॉड्यूल आया हो जिसपे यह जानकारी आपको पूरी तरह श्योर हो कि वहाँ से इंचार्ज बनाया जा रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल जहाँ तक मैंने जानकारी जुटाई है शाला दर्पण पर अभी तक कोई भी मॉड्यूल ऐसा नहीं आया है जिसमें राजश्री योजना के लिए प्रभारी नियुक्ति का कोई ऑप्शन हमें अवेलेबल करवाया गया हो। और साथियों, आपको अभी फिलहाल परेशान नहीं होना है, जैसे ही कोई नई अपडेट होगी इससे संबंधित मैं आपकी सहायतार्थ नया वीडियो जारी करूंगा। उसमें बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको राजश्री योजना में आवेदन कैसे करना है, आपको राजश्री का प्रभारी कैसे बनाना है और उस राजश्री योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मैं इसी चैनल पर उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो साथियों, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करते रहिएगा, जैसे ही कोई नया अपडेट होगा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको अवेलेबल करवा दूंगा और चैनल पर भी उसको उपलब्ध करवा दूंगा। आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि अभी आप अनावश्यक परेशान ना हो, अभी आप इसे लॉगिन नहीं कर पाएंगे जब तक आप इंचार्ज नहीं बना देंगे राजश्री योजना में किसी को। मिलते हैं साथियों इसी तरह की अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।